अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एग फ्राइड राइस की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई। जिसके लिए मैंने चावल ली हूँ, इसे मैंने भिगो ली हूँ, और ये मैं कुछ वेजेस ले रही हूँ, जिसमें मैंने ली हूँ पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, और ये हरी प्याज, और ये मैंने एग ली हूँ, तीन हैं, और ये सोया सॉस, विनेगर, रेड चिल्ली, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये मैंने एक सिजवान फ्राइड राइस मसाला ली हूँ, और ये मैं पानी में अब नमक डालूँगी और इसे बॉईल होने के लिए मैं छोड़ दूँगी। जब तक चलेंगे दूसरी तरफ चलते हैं। एक पैन में तेल डालेंगे, और अभी मैं ये जो एग ली हूँ, मैं इसे इसमें ही पैन में इस तरीके से हल्का सा नमक डाल के इसे मैं फ्राई करके निकालूंगी। मैं अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, और इसे मैं चम्मच की मदद से इसे मैं मिक्स करते हुए इस तरीके से मैं ये एग को फ्राई करके निकालूंगी। ये देखिए अच्छे से ये हो गया है। अब मैं इन सबको निकाल लूंगी। अब मैंने उसी ही पैन को क्लीन करके उसमें ऑयल डाल ली हूँ, और ये मैं हरी प्याज का वाइट पार्ट जो होता है ऊपर का प्याज, और शिमला मिर्च, और ये पत्ता गोभी है, मैं इसे डाल के हल्का सा भून लूँगी। इसे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा ही भूनना है इसे। जब ये हल्का सा भून जाए, इसका कच्चापन निकल जाए, अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ, और इसे मिक्स करके मैं पेस्ट का कच्चापन निकाल लूँगी, उसे अच्छे से भून लूँगी, और साथ ही साथ मेरी वेजेस भी इसके साथ में अच्छे से भून जाएगी। अब ये पानी भी उबल चुका है। अब मैंने जो चावल भिगो के रखी थी, अब इनमें मैं आराम आराम से इसे डाल दूँगी और बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। मैं इसमें 1 टीस्पून मैंने रेड चिल्ली डाली हूँ सॉस, और ये 1 टीस्पून विनेगर है, और 1 टीस्पून मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी। इन सब को डाल के मैं अच्छे से भून लूँगी। ज़्यादा नहीं इसे भूनना है, बस 2 से 3 मिनट। अब ये देखिए चावल भी हो चुके हैं। मुझे चावल को बॉईल करने में बिल्कुल से 10 मिनट लगे हैं। देखिए ये 80% ही कुक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा उसमें कच्चापन रहना चाहिए। अब मैं उसका पानी निहार लूँगी। ये वेजेस भी हो चुकी है, मैंने चावल का पानी अच्छे से निहार ली हूँ, निकाल दी हूँ, और ये चावल को मैंने इसमें डाल दी हूँ। देखो कितने अच्छे से खिले खिले मेरे चावल हुए हैं। अब मैं इसमें ये फ्राइड राइस मसाला डाल दूँगी, ऐड कर लूँगी, और इसे बहुत ही हल्के हाथों से मैं मिक्स करूँगी, ताकि मेरे चावल टूटे नहीं। बहुत ही आराम से और प्यार से इसे मिक्स करना है, ताकि चावल इसी तरीके से खिले खिले और इसी तरीके से अच्छे रहे। देखिए अब मैं इसे भून ली हूँ, और ये मैं हरी प्याज को भी इसी तरीके से कट करके डाल दूँगी, और इसे मिक्स कर लूँगी बहुत ही हल्के हाथों से। अब मैं इसे मिलाने के बाद इसे स्टीम होने के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए बहुत ही मीडियम फ्लेम पे मैं इसे रख के छोड़ दूँगी, और उसे फिर मैं 10 मिनट के बाद चेक करती हूँ। मैं इसे अब ढक के रख दूँगी। अब 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से बहुत अच्छे से इसमें से भाप निकल गई है, और ये चावल भी बहुत अच्छे से खिले खिले से ही रेडी हुए हैं। देखिए ये चावल भी हो चुका है, बिल्कुल मैश करने पे बिल्कुल नरम सा हो गया है। चलिए फ्राइड राइस तो तैयार हो गई, अब सॉस बनाते हैं। मैंने एक बर्तन में पानी ली हूँ, और इसमें लहसुन और अखी लाल मिर्च डाल के उबाल लूँगी। अब मैं इसमें सोया सॉस, रेड चिल्ली, कश्मीरी लाल मिर्च और काली मिर्च डाल के इसे पीसूँगी। अब मैंने इसमें रेड चिल्ली, सोया सॉस और ये सब पाउडर मसाले, जिसमें मैंने काली मिर्च पाउडर, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, इन सबको और थोड़ा पानी डाल के इसे पीस ली हूँ। अब ये मैं एक बर्तन में तेल गरम करूँगी, और उसमें ये पीसी हुई चटनी को मैं इस तरीके से भून लूँगी। जब ये 5 मिनट के बाद अच्छे से भून जाए, अच्छे से तेल छोड़ दे मसाला,
तो ये चटनी रेडी हो गई। अब ये मैं फ्राइड राइस को सर्व करती हूँ। देखिए कितने खिले खिले से, कितने बेहतरीन ये मेरे फ्राइड राइस बनके तैयार है। अब ये ऊपर से मैं एग डाल दूँगी, आप चाहे तो चावल में भी मिक्स कर सकते हो। फिर मिलते हैं, फिर अमानिल्ला।